जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वैशाख मास महत्तम के 19वें अध्याय की कथा का श्रवण करा रहे हैं, जिसमें हम भगवान विष्णु के स्वरूप का विवेचन, प्राण की श्रेष्ठता, जीवों के विभिन्न स्वभावों और कर्मों का कारण तथा भागवत धर्म का वर्णन करेंगे। व्याद ने पूछा, ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उनमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं? उनका क्या लक्षण है? उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है? तथा वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य हैं? वैष्णव धर्म कैसे हैं और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं? महामते, मैं आपका किंकर हूं, मुझे ये सब बातें बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर संडक ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है यह सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों की निधि तथा सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निष्कल तथा अनंत हैं। सत, चित और आनंद यही उनका स्वरूप है। यह जो अखिल चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिनके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति तथा नियमन आदि होते हैं। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहां से होती है, वे ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों के सम्मान सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात पर ब्रह्म कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पांचरात्र और महाभारत सब विष्णु स्वरूप हैं, विष्णु के ही प्रतिपादक हैं। इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य हैं। वेद, वेद सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से, प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता। उन्हीं के दिव्य जन्म, कर्म तथा गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदा मुक्त होते हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र से पिरोया हुआ है तथा प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत यह सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, जीवों में यह सूत्रात्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है? संडक ने कहा, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ, यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज हूंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को। किन्हीं की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय होता ना देखकर भी भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है, यह हम अभी तक किसी प्रकार निश्चय ना कर सके। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, अच्छा, ऐसा ही हो। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर ना सका।
यद्यपि वह चल नहीं पाता था, तो भी सुनता पीता बोलता सुनता और देखता हुआ पूर्ववत स्थिर रहा। तत्पश्चात गृह देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर गिर ना सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर पात नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन लूला कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। तदंतर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सू नहीं सकता। कान से अधिष्ठ देवियां दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे वधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जिब्या से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देहपात नहीं हुआ। तदंतर वाक इंद्रियों से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, किंतु शरीर नहीं गिरा। फिर अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीर पात नहीं हुआ। सबके अंत में उस शरीर में से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया। इसे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्ववत उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब क्रमश उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में से प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुह इंद्रियों में से प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में सूत, सूर्य ने नेत्रों में, दशाओं ने कान में, वरुण देव ने जिब्बा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि वाक इंद्रियों में तथा रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा, नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया, तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चय किया। बल ज्ञान धैर्य वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को अवत कहा गया। अतः समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण एवं बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसलिए प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सर्व देवात्मक है, सब देवता प्राण में हैं। वह भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित है। मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बतलाते हैं। महाविष्णु के महत्तम और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञान में लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सर्प पुरानी कैंचुली को। लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। संडग मुनि की कही हुई यह बात सुनकर व्याहद ने पुनः पूछा, ब्रह्मन, यह प्राण जब इतना महान प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु एवं ईश्वर है, तब लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? संडग ने कहा, पहले की बात है, प्राण अश्वमेघ यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में
स्थित हुए महात्मा कन्व बीवी की मिट्टी में छिपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बॉबी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोध पूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए बोले, देवेश्वर आज से लेकर आपकी महिमा तीन लोकों में विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध न होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। व्यास, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई है, भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं। व्यास ने पूछा, महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। संदक ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से तीन प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस, कर्म तमोगुणी जीव तामस कर्म तथा सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता हुई होती है, उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए तदनुसार फल के भागी होते हैं। कभी दुख, कभी सुख और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विशेषता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थित होने पर जीव इन तीनों गुणों से बंधते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते और सदा महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती, वे बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की वृत्ति मिश्रित होती है, वे पुण्य तथा पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते और पाप से याचना भोगते हैं। इसी कारण ये मंदभाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं, वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के द्वेष न देखने वाले तथा सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसीलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम हैं, उनमें विषमता और निर्दयता आदि द्वेष नहीं हैं। वे समभाव से ही सृष्टि पालन और संहार करते हैं। सब जीव अपने गुणों से ही कर्म फल के भागी होते हैं। जैसे माली बगीचे में लगे हुए सब वृक्षों को समान रूप से सींचता है और एक ही कुआं के जल से सभी वृक्ष पलते हैं, तथापि वे पृथक पृथक स्वभाव को प्राप्त होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार विषमता और निर्दयता का दोष नहीं होता। देवाधिदेव भगवान विष्णु का एक निमेश ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्म कल्प के अंत में देवाधिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे आँख खोलकर देखते हैं। जब तक निमेश रहता है तब तक प्रलय है। निमेश के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूहों को देखते हैं। उनकी कोक्षी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होते हैं, अर्थात कौन जीव कहाँ किस रूप में है, इसकी स्मृति भगवान को सदा बनी रहती है। भगवान विष्णु चतुर्व्यय स्वरूप हैं, वे उन्मेष काल में प्रथम भाग में ही चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हो व्यूहगामी वासुदेव स्वरूप से महात्माओं में से किसी को सायुज्य साधक तत्व ज्ञान, किसी को सारूप्य, किसी को सामीप्य और किसी को सालोक्य प्रदान करते हैं।
फिर अनिरुद्ध मूर्ति के वश में स्थित हुए संपूर्ण लोगों को वे देखते हैं। देखकर उन्हें प्रद्युम्न मूर्ति के वश में देते हैं और सृष्टि करने का संकल्प करते हैं। भगवान श्री अन्य पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि चार व्यूहों के द्वारा क्रमश माया, जया, कृति और शांति को स्वयं स्वीकार किया है। उनसे संयुक्त चतुर्व्यूह आत्मक महाविष्णु ने पूर्ण काम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोगों की सृष्टि की है। उनमें इस काल का अंत होने पर भगवान विष्णु पुनः योग माया का आश्रय लेकर व्यूहगामी संकर्षण स्वरूप से इस चराचर जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार महात्मा विष्णु का यह सब चिंतन करने योग्य कार्य बतलाया गया, जो ब्रह्मा आदि योग से संपन्न पुरुषों के लिए भी अचिंत्य एवं दुर्विभाव है। व्याद ने पूछा, मुनि, भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? संडक ने कहा, जिससे अंतकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है तथा जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की है, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का यदि निष्काम भाव से पालन किया जाए तथा वह लोक से विरुद्ध न हो तो उसे भी सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो चार चार प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम वेद से तीन प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। वे सात्विक धर्म भी मंगल में भागवत धर्म हैं। अन्य अन्य देवताओं की प्रीति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजस माने गए हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोक निष्ठुर हिंसात्मक निंदित कर्मों को तामस धर्म कहा गया है। जो सत्व गुण में स्थित हो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, वे भागवत विष्णु भक्त माने गए हैं। जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जिह्वा पर भगवान का नाम है और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान हैं, वे भागवत कहे गए हैं। जो सदा चार परायण, सबका उपकार करने वाले और सदैव ममता से रहित हैं, वे भागवत माने गए हैं। जिनका शास्त्र में, गुरु में और सत्व कर्मों में विश्वास है तथा जो सदा भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भागवत कहा गया है। उन भागवत भक्त महात्माओं को जो धर्म नित्य मान्य हैं, जो भगवान विष्णु को प्रिय हैं तथा वेदों और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वे ही सनातन धर्म माने गए हैं। जिनका चिंत विषय में आसक्त है, उनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सब धर्मों को सुनना कुछ भी लाभदायक नहीं है। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाता है। निष्काम पुरुषों द्वारा श्रद्धा पूर्वक जिसका सेवन किया जाता है तथा जो भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय हैं, वह भागवत धर्म माना गया है। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकाले हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों के सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश किया है। जो दम रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सब पापों से रहित हो सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योग्य दुर्लभ परम धाम में जाता है। इस प्रकार द्विज श्रेष्ठ संडक के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वह पांच शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा। उसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पाप योनि में शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप हो मस्तक झुकाए संडक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इति श्री वैशाख मास महात्म 19वां अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।